धर्मशाला जिला कारागार में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कैदियों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। जेल प्रशासन का प्रयास है कि जेल से छूटने के बाद कैदी स्वरोजगार से जुड़ें। इसी के चलते जेल प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से समय समय पर कैदियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शिविर में उद्यान विभाग के डॉक्टर संजय गुप्ता ने कैदियों को फूलों का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाए और किस तरह घरों को सजाया जाए, उसके अलावा पुष्पगुच्छ और गुलदस्ते कैसे बनाए जाते हैं और सजावट के लिए किन किन फूलों का इस्तेमाल बेहतर रहता है, इसकी जानकारी दी। इस दौरान कैदियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी उद्यान विभाग के अधिकारी द्वारा दिए गए। गौरतलब है कि जिला कारागार द्वारा अपनी फुलवारी नर्सरी विकसित की जा रही है, अब कैदियों को फूलों से सजावट का प्रशिक्षण दिलाया गया है। ऐसे में जेल प्रशासन का प्रयास है कि आगामी दिनों में समारोह तथा विवाह के लिए गाड़ियों को सजाने का कार्य कैदियों से करवाया जाए। उद्यान विभाग द्वारा आयोजित शिविर के दौरान कैदियों ने फूलों की सजावट के साथ साथ मशरूम उत्पादन बारे भी जानकारी ली। कैदियों ने उद्यान विभाग अधिकारियों से पूछा कि मशरूम उत्पादन कैसे कर सकते हैं तथा इसके लिए प्रशिक्षण कहां और कैसे दिया जाता है, जिस पर उद्यान विभाग के अधिकारियों ने कैदियों को जागरूक करते हुए इसकी विस्तृत जानकारी भी दी। वहीं कैदियों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से जेल प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कैदियों को करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते उद्यान विभाग में कैदियों को फूलों से सजावट कार्य का प्रशिक्षण देने का आग्रह किया गया था, जिस पर उद्यान विभाग की ओर से शिविर आयोजित किया गया। इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमारे जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनमें किस तरह का हेल्प है। कोई हॉर्टिकल्चर में काम करना चाहता है, कोई एग्रीकल्चर में काम करना चाहता है। आफ्टरऑल जो प्रिजनर इस जेल में हाउस इन है, ये एक दिन बाहर छूटकर करके जाएंगे, तो इनके पास क्या क्या एवेन्यूज हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो आज का जो फोकस है ट्रेनिंग का, वो है हाउ टू मेक अ बंजाई, एंड द सेकंड वन की फ्लावर बुक के कैसे बनाने हैं, कैसे डेकोरेट किया जाता है, हॉल को कैसे डेकोरेट किया जाता है, व्हीकल्स को कैसे डेकोरेट किया जाता है, ताकि सो दैट दे कैन फाइंड आउट द न्यू एवेन्यूज वेयर दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड। जी, आज उद्यान विभाग की तरफ से ये एक वर्कशॉप जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल धर्मशाला में लगाई गई, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने उद्यान विभाग से आग्रह किया था कि जो कैदी हैं उनको स्वावलंबन की ओर ले जाने के लिए इस विषय के ऊपर एक कैंप लगाना, शिविर लगाने की आवश्यकता थी। तो आज उद्यान विभाग ने यहाँ पे एक दिवसीय शिविर लगाया है, जिसमें हम कैदियों को ये सिखा रहे हैं कि फूलों के गुलदस्ते, बोनसाई कैसे बनाना, सजावट का कार्य कैसे करना फूलों से, और एक बड़े सीमित संसाधनों से कैसे स्वरोजगार को अपनाना है।